हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, वो है रसम। वो साउथ की रेसिपी है। इस रसम को चारू भी बोलते हैं। मैंने थोड़ा सा इमली ली हूँ, टर्मरिक, टोमेटोज 2 छोटे वाले ली हूँ, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, एक चिल्ली। एक बाउल में मैं 4-5 ग्लास पानी डाल के इमली को भिगाने रखी हूँ, ताकि इमली थोड़ा सा नरम हो जाए। इमली कम्प्लीटली नरम हो चुका है। अगर खट्टा ज़्यादा है तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप पानी डाल के उसको बैलेंस कर सकते हैं। अभी इसमें हमको वो टमाटर जो हमने लिए हैं उसको कट करके मैं रखी हूँ, कोरिएंडर लीव्स और चिल्ली। इसमें आप टमाटर डाल भी सकते हैं या टमाटर के बगैर भी आप ये रसम बना सकते हैं। चलिए, पूरे सामान इसमें डालना है, ये चीज़ें पूरे। इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और थोड़ा सा 1-2 चम्मच शक्कर डालना है, शुगर। इनकेस आप शुगर यूज़ नहीं करते तो आप थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। अभी मैं गैस ऑन करके कढ़ाई रखी हूँ और इस लिक्विड को हमको बॉईल करना है। फाइव टू टेन मिनट्स इसको ऐसे बॉईल करने के लिए रखना है, जब तक उबाल ना आए। रसम बॉईल होने लगा है। अभी इसमें हमको 1 स्पून रसम पाउडर डालना है। इनकेस आपके पास रसम पाउडर नहीं है, ईजिली मार्केट में अवेलेबल रहता है, या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप एक थोड़ा सा कोरिएंडर का जो पाउडर और जीरा पाउडर डाल सकते हैं, दैट इज़ धनिया पाउडर और जीरा पाउडर थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। 5 मिनट्स हो चुका है और हमारे रसम अच्छे से बॉईल होने लगा है। ये जो टमाटर सॉफ्ट होने तक आपको ऐसे बॉईल करना है उसको, और उसको अच्छे से स्मैश भी कर सकते हैं टमाटो पीसेस को। अभी हम गैस को थोड़ा सा सिम में रख के तड़के की तैयारी करेंगे। तड़का लगाने के लिए हमने ली है 1 पिंच हींग, चुटकी भर हींग, मस्टर्ड सीड्स 1/2 टीस्पून का ही ये इंग्रेडिएंट्स है, ये 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून मेथी, 2 रेड चिलीस, करी लीव्स, गार्लिक क्लोव्स। इसको आपको थोड़ा सा स्मैश करके ही यूज़ करना है। ये जो लहसुन है इसको स्मैश करके आपको यूज़ करना है। 6-7 मिनट्स हो चुका है और हमारा ये रसम अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी इसको हम तड़का लगाएंगे। मैं गैस ऑन करके एक पैन रखी हूँ, जिसमें मैंने 1 स्पून ऑयल डाली हूँ। ऑयल गर्म हो गया तो मैं हींग डाल रही हूँ। फिर हमको पूरे इंग्रेडिएंट्स डालना है। रेडी हो चुका है, अभी हम इसको रसम में ऐड करेंगे। हमने छोक लगा दिए और इसको ऐसे 2 मिनट तक और बॉईल करेंगे। ये अच्छे से बॉईल हो चुका है तो हम उसको ऑफ़ कर देंगे, गैस को ऑफ़ कर देंगे। अभी टेस्टी रसम रेडी है। आप इसको गरम चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।